हमने माना कि 100 अंडों पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया एक्स, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, 25 अंडे उसने 10% प्रॉफिट में खरीदे, 10% प्रॉफिट में खरीदे, ठीक है। अगले 25 जो उसने खरीदे बेचे वो 25% लॉस में खरीदे, ठीक है। और जो अगले 50 जो बच गए उन 50 पे उसने 20% प्रॉफिट में बेचा। तो हमारा सवाल ये हो गया कि 100 अंडे उसने मान लो ओवरऑल एक्स प्रतिशत पे बेच दिए, जिसमें से 25 10% बेचे, 25 25% लॉस में बेचे, 25% लॉस में बेचे, तो लॉस को हम कर देंगे क्या माइनस, माइनस का साइन दे देंगे यहाँ पे। और अगले जो 50 है तो उसने 20% प्रॉफिट में, तो जो लॉस है उसे हमने माइनस में कर दिया। तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। परसेंटेज का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है क्योंकि परसेंटेज हटा दिया मैंने यहाँ पे। तो अब बचा ये कितना हो गया, 250 प्लस 25 पंजे 625, और ये माइनस का है क्योंकि लॉस में गया था, माइनस 625, और ये हो गया 50 गुना, ये हो गया 1000, ठीक है। और इधर कितना हो गया, 100x। एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है। तो 1000 प्लस ये कितने हो गए, 1250, 1250 में से गए 625, तो बचा कितना, 625 बचा। अब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये 100 इसके नीचे चल जाएगा, तो अब हमें ये पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब है 6.25% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ।